में समय अधिक लग गया है और वास्तव में ये प्रथम चक्र है। सचदेवा जी के अपेक्षा मुझे समय ज्यादा लगेगा क्योंकि मुझे उसी कार्यक्रम में अपनी वंदना गानी है, सवाल ये देना है, जवाब भी देना है। आइए अपनी ओर से एक छोटा सा सवाल रूप गीत समर्पित है भैया सचदेवा जी के लिए। सैनिटाइजर डाल के क्योंकि गीत में कुछ और पढ़ना चाहती थी लेकिन जब देखा कि हमारे दादाजी यहाँ पर विराजमान हैं, सभी लोग सुनने वाले लोग बैठे हैं, तो वास्तव में गाने का और सुनाने का मजा कुछ और होता है। आइए सुनिएगा। गाया फिर भी दुनिया वालों ने क्या? क्योंकि समय निश्चित कर दिया गया है, हालांकि अभी निश्चित नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जितना समय बच सके शेर शायरी कम पढ़ी जाए उतना अच्छा है। Yeah.
बाद हुआ क्या, माता जानकी का पता लगाने के लिए हनुमान जी महाराज भी गए लेकिन माता जानकी को ला नहीं पाए। यद्यपि हनुमान जी महाराज ने कहा क्या, माता अगर प्रभु की आज्ञा होती तो मैं अभी आपको साथ ले जा सकता था। संजय भैया, हमारी छोटी गुड़िया पिटिया कसी सिंह राठौर जो 11 वर्ष की है, उम्र में 10 नवंबर को गूगल से सिल्वर मेडल प्राप्त किया है हमारी कसी पिटिया ने। अपने ताऊ जी हमारे बड़े भैया भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी को सम्मान व्यापित करना चाहती है हमारे बिटिया कशिश की ओर से। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हमारी कशिश बिटिया के लिए होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी।
क्या बात। सभी से निवेदन है, गीत को सुनिएगा सुने। और हमारे भैया ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सभी भाइयों को मेरी ओर से नमन है, और सभी से कहना है कि आप लोग अपने हैं, सामने आकर बैठिए तो गाने का मजा कुछ और ही होगा। हमारे भैया पप्पू शर्मा जी, राकेश वर्मा जी, और जिन भाइयों का नाम मैं नहीं जानती, सभी से निवेदन है, कहना है क्या बेटा, आइए बढ़िए। अब देखिए क्या अंगद महाराज कह रहे हैं, ये फिरे मैं फिरा उसने दोनों को फेरा, फिर ना जिसे फिर ना था जिसको उसने उसी को न फेरा। क्यों क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने चाहा है फेरना लंका में, बड़ भैया वो कौन है? अब देखिए वहाँ पर विभीषण जी बैठे हैं तो कहने लगे लगाने आए लंका में फेरी है।
बच्चे योग्य नहीं है लेने के लिए, आपके माध्यम से 101 पद्म मुद्राएं और एक पुष्पमाल भेंट हुआ है दादा श्री रमेश मिश्रा जी के द्वारा। हमारे दादा श्रीकांत मिश्रा जी, आपके माध्यम से 101 पद्म मुद्राएं भेंट हैं, क्योंकि पहले भी कहा गया है कि गलतियां बच्चों से होती हैं, तो कहना पड़ा। Oh,
तो हो सकता है उसने भी कोई युक्ति लगाई है। आप क्या? तो कहना क्या बेटे कि भक्तों से जिन भक्तों ने हरि की माला फेरी है, कि भक्ति से जिन भक्तों ने हरि की माला फेरी है, तो लाल चंद्र प्रभु ने उसकी तकदीर फेरी है, तकदीर फेरी है, लाल चंद्र प्रभु ने उसकी तकदीर फेरी है। अब विचार करने लगे, युक्ति लगाने लगे, वंद करना चाहे रावण, वंद करना चाहे रावण, जग की हेरा फेरी है। हो सकता है उसने अपनी मुक्ति के लिए कार्य किया हो। वंद करना चाहे रावण, जग की हेरा फेरी है, तो सारे दान शायद, तो शायद इसी से उसने उल्टी माला। सर्वप्रथम इस पुनः पंडाल में विराजित माताओं बहनों को और निर्णायक समिति को और हमारे भैया सभी लोगों को हृदय से नमन है। दूर दराज से आए हुए ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सभी सदस्य दादा श्री संतोष गुप्ता जी, भैया हमारे श्री राकेश वर्मा जी, दादा श्री पंडित पप्पू शर्मा जी, भैया हमारे सचिन साहू जी, ये जवाबी कीर्तन यूट्यूब चैनल, सबको हृदय से नमन है, आशीर्वाद की कामना है। और एक गीत बहन जी की तरफ से आया है, मैं उसको जल्दी कह दूं क्योंकि कमेटी की तरफ से टाइम भी निर्धारित कर दिया गया है। बहुत ही सुंदर सा जवाब बहन जी लेकर आई है। पहले चक्र में तमाम बातें हो गई, ये गाना बजाना है,
कला क्षेत्र है, ऐसे गाओ बजाओ। सही है भैया, अब आपसे कोचिंग लेनी पड़ेगी। और क्या, बिल्कुल गाना बजाना तो सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सीखना पड़ेगा। बहन ने कहा कि गीत आपने अर्जेंट लिखा है सचदेवा जी, ठीक है, मतलब ये ठीक एक आलोचना करने वाला था, इसमें कुछ झलक रहा था बेटे, ये आलोचना करने वाला ठीक था, ठीक है। तिवारी जी हमारे बहुत मेहनत करते हैं, पर बहन जी मैं कह दूं कि आप गीत समझ नहीं पाई तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, बिल्कुल ये गीत आपके सर से बाउंस हो गया। गाना कह रहा है, क्या कह रहा बेटे गाना, कि अगर साज साजन का चाहो, अगर साज साजन का चाहो तो सुन लो सखुन हमारा, भाव नजर आता है। आखिर बहन जी मेरा गीत क्या कह रहा था, उस गीत पे आपने विचार नहीं किया। मेरी आदत है मैं कलाकारों को पहले ककारा पढ़ाता हूँ, जब ककारा समझ में नहीं आता है तो मात्राओं का ज्ञान कराता हूं। बहुत अच्छे, मैंने कक्षा एक में पढ़ाने वाली चीज को इसमें परोया था। एक स्वर, जो 13 स्वर होते हैं उन स्वरों को मैंने सजोया था, और मेरी पहली लाइन कह रही है, अगर साज साजन का चाहो, अगर मैं छोटा तो सुन लो सकुन हमारा, आर पार संग्राम हो हमारा तुम्हारा, अगर मैं छोटा आ आर पार में बड़ा आ छोटा। फिर मेरी लाइन कह रही थी, इस संसार में माना तुम हो एक अधिकारी, तो बड़ा आ और इस संसार में छोटी ई, ईश्वर बड़ी ईश्वर की कृपा से स्वामी हो बलधारी, बड़ी की उधर उधर ना देखो, बड़ी ई छोटा उधर ना देखो इधर समझो, अभी तो मैं कह रहा था कि आप व्हाट्सएप पे मत देखो, व्हाट्सएप बंद रखी, इधर इधर समझो, एक से
बड़ा हूँ या माने कुछ नहीं, ए से एड़ी, एड़ी। ए से एड़ी, एड़ी। एक वा एक से सूरवीर क्रोध से है कुलाए, ए ऐसा चला बड़ा आए, पहले ए फिर आए, ऐसा चला सिलसिला पही रक्त की धारा, अब बड़ा आए ओम की करके साधना आए फिर ओ, हाँ ये बात बहुत ज्ञानी लड़का, ओम की करके साधना माने खड़ग समारी, ओ आओ चित्तहीन संबंध को, ओ आओ आओ चित्तहीन संबंध को काट काट किलकार, जब बहन जी आओ आ गया अंत में अंग, इसको कहते हैं आहा, इतना जल्दी थोड़ी लिखा गया है, अंत में तब संघर्षमयी तब दबा के है ललकारा, तभी तो सचदेवा शरारती ने कहा बहन जी, क्या कहा बेटे, आर पार संग्राम हो हमारा तुम्हारा, महोदय ने ध्यान नहीं दिया, फिर आपने कह दिया अगर मैं तो साथ तुम्हारा चाहूं, और ये संकल्प हमारा, मैंने कहा माँ मछली पहले लाई है तो माँ के पास सर या ले आए, तो आपने डैड कह दिया जन्म जन्म संबंध हो हमारा तुम्हारा, ले टाइट बढ़िया है हिसाबी भैया, कुछ लेते क्यों नहीं तो कलाकार कलाकार प्रयास करता है, कभी कभी कोई चीज ध्यान में नहीं आती, मेरी भी गलती थी मैं बता देता, सही पर मैंने सोचा अच्छी कलाकारा हो और राइटर महोदय भी अच्छे हैं तो शायद सोच लिया हो, बाकी बढ़िया है, ये सब राही एकेडमी के बच्चे हैं। आइए एक गीत आपकी तरफ से बहुत बढ़िया आया है, ये कलाकारों की आदत होती है, प्रसंग में कलाकार कम फंसा पाते हैं, दोनों में ज्यादा फंसाते हैं, लेकिन बेटा फंसना नहीं तो कि मैं तेरी तू मेरा, अरे दुनिया Yeah!
धन्यवाद। आपकी एक लाइन हमको बहुत अच्छी लगी बेटे। कौन सी बेटे? राम जी ने लंका में राम जी ने लगाई है फेरी। फेरी कौन सी फेरी? काहे की फेरी? लंका में राम जी लगाई फेरी। वो बेटा वहाँ कंबल बेचने गए थे सर्दी है। भाई वाह। नहीं वो फेरी लगाने गए थे, हो सकता है कोई चीज फेरी लगाने गए हो। सही सही, अच्छी बात है। हो सकता है प्रभात फेरी लगाने गए हो। कैसे कैसे लिख दीजिए बताओ। किरा बढ़िया, ठीक है राम जी आप फिरिए और कभी कभी मेरे भी घर आ जाइए। सभी भैया आप खारता हूँ उसे। पर मेरा क्या कहना है? क्या कहना है? जब अंगद ने कहा ये फिरे ये फिरे ये फिरे, वहीं पर खड़े हनुमान जी भी कहने लगे क्या ये प्रभु हाँ? ये गिरे मैं गिरा। ये बात समझते रहिए। ये भी वहां गिरे और मैं भी वहां गिरा। ये गिरे मैं गिरा, उसने दोनों को घेरा। ये भी इनको भी राजसों ने घेरा, अंगद जी को हा? हमको भी घेरा और उस रावण ने दोनों को घेरा। ये गिरे मैं गिरा, इसने दोनों को घेरा। अरे घेरा उसने हमें बनाया, क्या बात है संजय भैया।
जब मैं गिरा मैंने अरे थोड़ा सा घेरा है, अंदर गया तो थोड़ा लंकनी का घेरा है। कहना है क्या? जब वो गिरे, क्या बात है, एक बार फिर से। इस घेरे को सुनेगा आप खुद जनमानस बैठी है, खुद कहेगी हाँ ये होता है घेरा। सुनेगा लंका में माता सीता दुष्टों ने घेरा है। क्या बात है, दुष्टों ने घेर लिया। और थोड़ा समझा के बेटे, असुरों ने घेरा है। समझते रहिए।